पंजाब में लगे मिनी लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के बावजूद प्राइवेट और सरकारी बस वाले सरकार के निर्देशों की शरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये तस्वीरें जलंधर शहर के रामा मंडी चौक की है, जहां प्राइवेट और सरकारी बस वाले बस में खचाखच सवारियां भरकर ले जा रहे हैं। पुलिस ने उन बसों को रुकवाया, जब चेकिंग की तो तस्वीर देखकर आप हैरान रह गए होंगे। प्राइवेट बस में 80 से ज्यादा और सरकारी बस में 50 से ज्यादा लोग सफर कर रहे थे। वहीं प्राइवेट बस में जा रहे प्रवासी लोगों ने कहा कि बस वालों ने उनके साथ मारपीट की और जबरन उनसे पैसे ज्यादा वसूले। एक बंदे के बैठने की सीट है, एक बंदे को बिठाओ, उन्होंने जबरदस्ती धक्के नाल थप्पड़ नाल पता नहीं, मैं ध्यान नहीं दिया, मेरे को पीछे से पकड़ रखा था। मैंने बोला एक बंदे बैठा है, मैंने 2500 रुपया दिया है, आप एक के जगह दो बैठा है तो भी ठीक है, फिर भी इन्होंने तीन बंदे को बैठा दिया। अच्छा, एक भी सीट कौन सी है? कितना मारा इन्होंने? दो बंदे कटिहार डिस्ट्रिक्ट, कटिहार डिस्ट्रिक्ट कम से कम 100 से ऊपर होते, किसी से 2300, किसी से 2500, किसी से 2000। इन्होंने रास्ते में आके यहाँ रास्ते में छोड़ दिया, नहीं टिकट भी नहीं दिया। बस ये गुरदासपुर से लाया, उसके बाद होशियारपुर में पकड़ा गया गाड़ी। ओके, उसके बाद आगे अब हम जिला ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 80 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 180 ਪਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ? 280 ਦਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਰੋ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਨਿਊਜ਼।